मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में मची कलहा पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गई थी। आलाकमान को डर सता रहा था कि 15 साल बाद सूबे की सत्ता में वापसी की कोशिश आपसी टकराव की भेंट ना चढ़ जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच हुए विवाद की खबरें जिस तरह से बाहर आई, इससे पार्टी नेतृत्व भी सकते में आ गया। विवाद में सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। सोनिया के हस्तक्षेप से कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद किसी तरह के बगावती सुर नहीं सुनाई दिए। दिग्विजय सिंह के सुर तो इस कदर बदले कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना बेटा ही बता दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अक्सर कांग्रेस की हार की वजह आंतरिक कलह ही रही है। कई बार तो आपसी कलह के कारण जीती बाजी हार में तब्दील हो गई है, लेकिन इस बार कांग्रेस में एक दो घटनाओं को छोड़ मामला शांत ही दिख रहा है। और जो टकराव की सुर सुनाई दे रहे थे, उसे केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से समय रहते ही शांत करा लिया गया। जी हाँ, कल तक कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने के लिए आमने सामने थे। खबर आई कि टिकट वितरण के लिए दोनों नेता राहुल गांधी के सामने ही आपस में भिड़ गए, जिससे पार्टी अध्यक्ष नाराज हो गए। लेकिन अब ये दोनों दिग्गज दोस्ती का दावा कर रहे हैं। जहाँ पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि पार्टी में कोई कलह नहीं है, तो वहीं आज दिग्विजय सिंह ने उन्हें अपना बेटा ही बता दिया। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई मतभेद नहीं, वो मेरे बेटे जैसे हैं। दिग्विजय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बदले सुरों के पीछे सोनिया गांधी की कोशिश को माना जा रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि पार्टी में छिड़ी कलह को शांत कराने के लिए सोनिया गांधी ने दोनों नेताओं से बात की थी। वैसे इस कलह के शांत होने से अब कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव में उतरेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।